फाइनली गाइस मैं खुश दिख रहा हूँ, एक और गुड न्यूज लेके आ चुका हूँ प्रेम की 3 के बारे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहो, इस वीडियो में 5000 के का लाइक टारगेट रखते हैं तो जरूर कर देना गाइस। आप लोगों को पता है नेपाल में सुनते रहते हैं कि इंडिया ने ये कर दिया वो कर दिया, जो कि एम्बुलेंस दिया कुछ दिया कुछ दिया, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज जो कि बनाते हैं कि हमने दिए ही है कुछ। बट गाइस इस बार जो कि एक बहुत ही बड़े चैनल जो कि इंडिया समाचार 24 में जो कि प्रेम गीत 3 के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा जो कि एक आर्टिकल छपा हुआ है कहीं ना कहीं, जो कि बहुत ही गर्व की बात है कि नेपाल से जो कि आकर प्रेम गीत 3 मूवी ने जो कि तहलका ही मचा दिया इंडिया में। तो क्या क्या बोला जो प्रेम गीत 3 के बारे में तो आप लोगों को पूरा एंड तक बताऊंगा। तो फाइनली गाइस प्रेम गीत 3 के बारे में जो कि इंडिया समाचार 24 ने जो कि आर्टिकल छपा भी हो आप लोग भी जाकर गूगल में चेक कर सकते हो। तो फाइनली गाइस आप लोगों को जो कि मेन हेडिंग वो बता देता हूं। तो फाइनली गाइस प्रदीप के बारे में कहा कि नेपाल का जो कि सुपरस्टार हीरो जो कि इंडिया में पहली बार जो कि एक फिल्म लेके आया प्रेम गीत 3 मूवी जो कि इंडिया में जो कि बहुत नेपाल का झंडा गाड़ दिया, जो कि प्रेम गीत 3 ने जो कि इंडिया में झंडा गाड़ दिया नेपाल का। तो ये कहा और साथ में जो कि प्रेम गीत 3 के जो हीरो है और हीरोइन है बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है इस जो कि इंडिया समाचार 24 में लिखा हुआ। और साथ में प्रेम गीत 3 के बारे में जो कि कहा है ये सिर्फ नेपाल का लोकेशन है जो कि बहुत ही अच्छा लोकेशन है, आप लोग भी जा सकते हो नेपाल, तो बहुत ही अच्छा लिखा है। प्रेम गीत 3 मूवी को जो कि पहली बार जो कि इंडिया में रिलीज किया और पहली बार में जो कि भारत के जितने भी बॉलीवुड को हटाकर जो कि अपना कब्जा कर लिया और साथ में राज कर लिया नेपाल ही फिल्म ने, तो इस तरह लिखा हुआ जो कि बहुत ही गर्व की बात है, जो कि इतना बड़ा लिखने आर्टिकल लिखने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो कि थैंक यू सो मच गाइस, जो कि इंडिया समाचार 24 ने इतना कहा है। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।